युजवेंद्र चहल, इंडिया एशिया कप 2023 भारत की ओर से एशिया कप 2023 के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल 17 सदस्यीय स्क्वाड में टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल को मौका नहीं मिला है। टीम में स्पिनर ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भी मौका दिया गया है, वहीं चाइनमैन कुलदीप यादव को मुख्य स्पिनर के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा दिखाई देंगे। एक मुख्य स्पिनर के साथ 17 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में सिर्फ 3 स्पिनर्स को ही मौका दिया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस प्लान के साथ टीम इंडिया कितनी कामयाबी हासिल कर पाती है। चहल को बड़े टूर्नामेंट्स में भारत की ओर से कुछ खास तवज्जो नहीं मिल रही है। अगर वे स्क्वाड का हिस्सा होते हैं तो उन्हें प्लेइंग 11 से दूर रखा जाता है। हालांकि बीते कुछ वक्त से चहल अपना प्रभाव छोड़ने में भी नाकाम दिख रहे हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज दौरे पर खेल गई 5 मैचों की टीबी सीरीज में चहल ने 5 विकेट अपने नाम किए थे। अब उन्हें एशिया कप के लिए नहीं चुना गया। बता दें कि एशिया कप की 17 सदस्यीय भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या समेत कुल 6 तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है। लंबे वक्त बाद वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह टीम के मुख्य तेज गेंदबाज होंगे। इसके अलावा मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज भी मुख्य किरदार में दिखेंगे। वहीं शार्दुल ठाकुर और इंजरी से वापसी करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या भी 10 ओवर डाल सकते हैं। इस तरह से भारत ने ऑलराउंडर हार्दिक समेत कुल 6 तेज गेंदबाजों का चुनाव किया है। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा।